हिंसा का सामान्य अर्थ मारना किया जाता है, प्राणों का नाश करना हिंसा है, परंतु किसी के मन को चोट पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर की तरह मन भी व्यक्ति का एक साधन है। सबसे पहले मन में विचार उद्बुद्ध होते हैं, तब उन्हीं विचारों को हम वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और शरीर के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित करते हैं। मन शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी शुद्धता, अशुद्धता, स्वस्थता, अस्वस्थता पर ही जीवन का विकास एवं पतन आधारित है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही युक्ति का साधन है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मानव के आज तक के विकास का इतिहास मन के चिंतन पर ही आधारित है। अनुविज्ञान, आण्विक शस्त्र और रॉकेट सर्वप्रथम मन के धरातल पर ही अवतरित हुए थे। चंद्रलोक एवं अन्य ग्रह नक्षत्रों के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए इस धरती पर कदम रखने की कल्पना सबसे पहले मानव मन में ही उद्बुद्ध हुई। इसके लिए जो कुछ प्रयत्न किए और किए जा रहे हैं, वे मन में उद्भव हुए विचारों के ही साकार रूप है। विश्व इतिहास के पन्नों को खोलकर देखिए, आपको यत्र तत्र सर्वत्र यही मिलेगा कि मनुष्य की विचार शक्ति ने, मनुष्य के कल्पनाशील मस्तिष्क ने और मनुष्य के मननशील मन ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आध्यात्मिक एवं भौतिक शोध के पीछे मनुष्य के मनन, चिंतन एवं विचार शक्ति का ही हाथ रहा है। जितने दर्शन, जितने पंथ, जितने मत मतांतर, जितने संप्रदाय, जितने समाज, जितनी पार्टियां हमें दिखाई दे रही है, वे सब मनुष्य के विचारों की ही उपज है। प्रत्येक व्यक्ति में, भले ही वह सामान्य हो या महान, बड़ा हो या छोटा, बुद्धि और चिंतन शक्ति है। उसके पास अपना चिंतन है, अपने विचार है और अपनी बुद्धि है। वह जो कुछ सोचता है, समझता है, विचारता है, उसे सत्य तथ्य को जन जन के सामने रखने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह आकांक्षा बनी रहती है कि वह अपने विचारों को जनता के सामने रखे और जनता उसका अनुकरण करे। इसमें तो जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति के विचारों में सत्यांश रहता ही है। यह वस्तु को जिस दृष्टि से देखता है, चाहे द्रव्य की दृष्टि से देखे या पर्याय की दृष्टि से, उसमें वह धर्म उस अपेक्षा से है ही। जैसे द्रव्य की दृष्टि से विचार करने वाले व्यक्ति को वस्तु नित्य दिखाई देती है, वह इस सत्य का अनुभव करता है कि वस्तु का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता। वह अतीत काल में भी थी, वर्तमान में भी है और अनागत काल में भी रहेगी। उसका नाश न कभी हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि वह त्रिकालवर्ती है। इसलिए वह ध्रुव है, नित्य है और शाश्वत है। परंतु दूसरा विचारक जब वस्तु का पर्याय की दृष्टि से अवलोकन करता है, तब उसे उसमें कहीं भी स्थिरता परिलक्षित नहीं होती। उसे प्रतिक्षण होने वाला विनाश और नवनिर्माण दिखाई देता है। वह देखता है वस्तु की पर्याय प्रतिक्षण परिवर्तित होती है। उसके एक स्वरूप का नाश होता है और दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति होती है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस अपने रूप में स्थित है, परंतु जब दोनों को मिला दिया जाता है या दोनों मिल जाती है, तो दोनों के आकार के नाश होकर तीसरा आकार पानी का आकार बन जाता है। अस्तु, यत्र तत्र सर्वत्र बिखराव है, विनाश है, क्षय है, क्षणिकता है, नित्यता कहीं भी दिखाई नहीं देती। दोनों विचारकों की अनुभूति एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। दोनों में आकाश पाताल जितना अंतर है, कहीं भी समानता एवं एकरूपता दिखाई नहीं देती है। परंतु जब हम वस्तु की यथार्थ स्वरूप का अवलोकन करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है दोनों के विचारों में, चिंतन में सच्चाई है। दोनों विचारक वस्तु में स्थित सत्य को देखते हैं, क्योंकि वस्तु में नित्यत्व भी है और अनित्यत्व भी है। उसमें एकरूपता भी है और बिखराव भी है। उसमें स्थायित्व भी है और क्षणिकता भी है। इसलिए
दोनों का अनुभव सत्य से परे नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि में एक दोष है, विकार है, एकांगीपन, अपनी दृष्टि को सत्य और अन्य के चिंतन को पूर्णतः असत्य समझने का। जब द्रव्य दृष्टि से वस्तु का अवलोकन करने वाला व्यक्ति यह कहे कि वस्तु एकांत रूप से नित्य है, उसमें अनित्यता है ही नहीं, वह कुटस्थ नित्य है, उसमें कदापि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं, वह जैसी है सदा सर्वदा उसी रूप में स्थित रहती है, जो परिवर्तन की बात कहते हैं वे झूठे हैं, स्वयं भ्रांति में है और दुनिया में भ्रांति फैलाते हैं। अब पर्याय दृष्टि से वस्तु का विश्लेषण करने वाला विचारक यह घोषणा करता है, वस्तु में स्थिरता एवं नित्यता है ही नहीं, सब कुछ क्षणिक है, विनाशशील है, वह सरिता के प्रवाह की तरह नित्य नए रूप से प्रवाहमान रहती है, उसको नित्य कहने वाले सत्य को समझ ही नहीं पाए हैं, सत्यता क्षणिकता में है, नित्यता में नहीं। दोनों विचारक अपने प्रबल तर्कों के द्वारा अपने विचारों की पुष्टि और दूसरे के विचारों का खंडन करने लगे, एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेपों का कीचड़ उछालने लगे, एक दूसरे को असत्यवादी, भ्रांत एवं मिथ्या दृष्टि कहने लगे। दार्शनिक चिंतन आत्मशक्ति का साधन बनने के स्थान पर संघर्ष का कारण बन गया और यत्र तत्र दार्शनिक चर्चाओं के क्षेत्र स्थान संघर्ष के, वैचारिक द्वंद्व प्रतिद्वंद एवं मल्ल युद्ध के अखाड़े बन गए। दर्शन साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है, बड़े बड़े दार्शनिकों एवं विचारकों में कितना गहरा मतभेद और कितना संघर्ष था, एक दूसरे को अपमानित एवं पराजित करने के लिए तर्कों के कैसे दांव पेच खेले जाते थे, कभी कभी अपने मत की विजय के लिए, अपने अहम को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सत्य का गला घोटने में भी वे नहीं हिचकिचाते थे। इन दार्शनिक द्वंद्वों में विचारक एक दूसरे को मारते नहीं, एक दूसरे के शरीर को क्षत विक्षत भी नहीं करते, एक दूसरे के अंग प्रत्यंगों को भी क्षति नहीं पहुंचाते, परंतु एक दूसरे की प्रतिष्ठा को, इज्जत को परिसमाप्त करने में वे गौरव की अनुभूति करते थे और उनकी सारी शक्ति, संपूर्ण ताकत एक दूसरे को गिराने एवं परास्त करने में ही लगती थी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की भाषा में प्राणवध ही हिंसा नहीं है, विचारों पर प्रहार करना भी हिंसा है। व्यक्ति को प्राप्त हुए 10 प्राणों में मन भी एक प्राण है, एक शक्ति है और 6 पर्यायों में से एक पर्याय है, और विचारों का उद्भव मन में होता है, अतः किसी के विचारों को आघात पहुंचाना भी वैचारिक हिंसा है। इस वैचारिक हिंसा को एवं दार्शनिक संघर्षों को परिसमाप्त करने के लिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक आवाज उठाई और सभी विचारकों से कहा, तुम संघर्ष करने के पहले सत्य को समझने का प्रयत्न करो, तुमने जो कुछ समझा है, देखा है, सत्य उतना ही नहीं है, सत्य विराट है, व्यापक है, उसे समझने के लिए अपनी दृष्टि को अपने अहंकार की कारा में बंद करके मत रखो, अपनी ही दृष्टि से सब कुछ मत देखो, अपने विचारों को, अपने हृदय को उदार बनाओ, अपनी दृष्टि को विशाल बनाओ, दूसरे के विचारों को अपने ही दृष्टिकोण से नहीं, उसके दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयत्न करो, अपने विचार कहो पर दूसरे के विचारों का तिरस्कार मत करो, फिर सत्य तुम्हारे सामने स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। इतिहास बताता है कि युग युगांतर से दार्शनिकों, विचारकों एवं चिंतकों में इस संबंध में गर्मा गर्म विचार चर्चाएं एवं संघर्ष होते रहे हैं। आत्मा नित्य है या अनित्य है, शाश्वत है या क्षणिक है, एक है या अनेक है, व्यापक है या अव्यापक है, भौतिक है या अभौतिक है, साकार है या निराकार है, परंतु वे कभी भी एक मत नहीं हो पाए। तर्क वितर्क होते रहे परंतु समस्या का समाधान मिला हो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रत्येक विचारक अपने पक्ष पर अधिक बल देता है, वह अपने विचारों का ही आग्रह रखता है, दूसरे के विचारों का तिरस्कार करता है। जब विचारों का आग्रह दुराग्रह में परिणत हो जाता है तब समस्याएं सुलझती नहीं अपितु उलझती ही जाती है, संघर्ष समाप्त न होकर बढ़ते ही रहते हैं। संघर्षों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, वैचारिक हिंसा को रोकने के लिए विचारों की सहिष्णुता आवश्यक है और वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है अनेकांत दृष्टि।
किसी के विचारों पर प्रहार करना, उसके मन को आघात एवं पीड़ा पहुंचाना भी हिंसा है, पाप है। हमें इतना सहिष्णु बनना चाहिए कि दूसरे के विचारों को शांत मस्तिष्क से सुने और उन पर निष्पक्ष होकर विचार करे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, आत्मा न एकांत रूप से नित्य है और न एकांततः अनित्य ही। इसी प्रकार एकांत दृष्टि से वह न एक है न अनेक, न व्यापक है न अव्यापक, न साकार है न निराकार, न भौतिक है न अभौतिक। एकांत दृष्टि से उसके किसी भी स्वरूप को समझना सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वह कथ्य भी नहीं हो सकता। कथ्य वही है जो सत्य है, तथ्य है। सच्चाई यह है, आत्मा द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अक्षय है, अजर है, अविनाशी है। हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक जन्म में व्यक्ति की अवस्थाएं बदलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह बाल्यकाल, यौवन एवं वृद्धावस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है। शरीर एवं विचारों के पर्याय बदलने पर भी उसकी आत्म अनुभूति में, उसकी आत्मश्रुति में कोई अंतर नहीं आता। जीवन की तीनों अवस्थाओं में आत्मचेतना वही रहती है जो पूर्व में थी। इसी तरह अनादिकाल से लेकर अब तक और भविष्य में योनियों के पर्यायों में परिवर्तन होता रहा है, और जब तक कर्म बंधन रहेगा तब तक भविष्य में होता रहेगा। परंतु उससे आत्मद्रव्य में न कोई अंतर आया है, न आता है, न कभी आएगा। इसलिए आत्मद्रव्य नित्य है, वह सदा से है और सदा सर्वदा रहेगा। उसका कभी भी निर्माण नहीं हुआ और न कभी निर्माण होगा। जिसका निर्माण नहीं होता उसका कदापि नाश नहीं होता। आत्मा केवल द्रव्य रूप ही नहीं है, उसमें पर्याय भी है। पर्याय परिवर्तनशील है, उसमें प्रतिक्षण, प्रतिपल एवं प्रति समय परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति आदि आत्मा की अनंत पर्याय है, और इनके अतिरिक्त कर्म से युक्त संसारी आत्मा से मन, वचन और शरीर की पर्याय भी संबद्ध है। हम सदा देखते हैं कि हमारे ज्ञान में, दर्शन में, सुख संवेदन में, आत्मा आनंद की अनुभूति में, मन, वचन और शरीर में हर समय परिवर्तन होता रहता है। पर्याय कभी भी स्थिर नहीं रहती। पुरातन पर्यायों का नाश होता है और नव पर्यायों का निर्माण होता है। अतः पर्याय की अपेक्षा आत्मा नित्य नहीं अनित्य है, शाश्वत नहीं अशाश्वत है, क्षणिक है। इसलिए जैन दर्शन ने दार्शनिकों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि आत्मा न एकांततः नित्य है और न अनित्य है। वस्तुतः वह नित्यानित्य है। द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य भी है। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों का यथार्थ उत्तर अनेकांत दृष्टि से दिया जा सकता है। आत्मा आत्मद्रव्य की अपेक्षा से एक है। लोक में स्थित अनंत अनंत आत्माओं का आत्मस्वरूप एक सा है। जड़ के साथ रहने पर भी उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। आत्म प्रदेशों में एवं उसके गुणों में किसी तरह का अंतर नहीं आता है। छह द्रव्यों में जीव द्रव्य को एक कहा है, और इसी अपेक्षा से स्थानांग सूत्र में एगे आया, आत्मा एक है, ऐसा कहा है। इसमें समस्त आत्माओं का समावेश हो जाता है, भले ही वे मुक्त हो या संसारी, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा आत्माएं भिन्न भिन्न है। सबका संवेदन एक सा नहीं है, सबकी अनुभूति में भी अंतर परिलक्षित होता है, और सब आत्माएं अपने ही पुरुषार्थ से अपना विकास करती है और अपना पतन भी करती है। अस्तु, आत्मद्रव्य एक है और व्यक्ति की अपेक्षा से आत्माएं अनेक भी है। सभी आस्तिक दर्शन इन विचारों में एकमत है, आत्मा निराकार है। परंतु सभी एकमत से इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है या एक सीमित प्रदेश में स्थित है। दार्शनिकों में इसी प्रश्न पर संघर्ष चल रहा है, परंतु अनेकांत दृष्टि से विचार करने पर संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। उसमें इस प्रश्न का सही समाधान करने की क्षमता है। जैन दर्शन का कहना है कि संसारी आत्मा संसार में शरीर के अभाव में रह नहीं सकती। हम स्वयं देखते हैं कि शरीर के बाहर कहीं भी उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। जब तक आत्मा जिस शरीर में रहती है उस समय उस पर चोट लगने पर दुख का संवेदन होता है, और शरीर को आराम मिलने पर सुख की अनुभूति होती है। संवेदन, समभाव, विषम भाव, वैराग्य एवं विकारों की परिणति शरीर में स्थित आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि संसारी आत्मा के आत्म प्रदेश शरीर से बाहर नहीं है।
मुक्त आत्मा भी जिस शरीर का परित्याग करके जिस आसन से सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है, उसके आत्म प्रदेश सिद्धशिला में भी उसके तीसरे भाग के स्थान को घेर कर रहते हैं। आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक में नहीं बिखेरते, सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं। इस अपेक्षा से आत्मा व्यापक नहीं अव्यापक है, असीम नहीं सीमित क्षेत्र में रहता है, क्योंकि शरीर चाहे कितना भी छोटा और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी उसकी एक सीमा है, एक मर्यादा है। परंतु दूसरी अपेक्षा से विचार करें तो आत्मा व्यापक भी है। ज्ञान आत्मा का गुण है, गुण और गुणी के अभेद की अपेक्षा ज्ञान को भी आत्मा कहा है। ज्ञान अनंत है, असीम है। जब व्यक्ति अनंत ज्ञान को अनावृत कर लेता है, तब वह ज्ञान की अपेक्षा संपूर्ण लोकालोक में व्याप्त हो जाता है। उसका ज्ञान लोक को भी देखता है और अलोक आकाश को भी देखता है। इसके अतिरिक्त केवल अपने अंतिम काल में जब यह देखता है आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म में समानता नहीं है, तब वह दोनों को समान करके क्षय करने के लिए केवली समुद्घात करता है। उस समय वह अपने आत्म प्रदेशों को संपूर्ण लोक में फैला देता है और एक समय तक उसके आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त रहते हैं। उसके अनंतर वह उन्हें पुनः समेट कर अपने शरीर में ले जाता है। ज्ञान की अपेक्षा एवं केवली समुद्घात की अपेक्षा आत्मा संपूर्ण लोक व्यापी भी है। भारतीय दर्शनों में चार्वाक को छोड़कर सभी दर्शन आत्मा को अभौतिक मानते हैं। वस्तुतः आत्मा अभौतिक है, वह चैतन्य शक्ति से युक्त है, कदापि अचेतन नहीं हो सकती। उसमें कभी न जड़ता थी, न जड़ता है और न कभी जड़ता आएगी। अतः निश्चय दृष्टि से विचार करें तो उसमें भौतिक होने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु संसार में स्थित आत्मा कर्म के संयोग से शरीर से संबद्ध है, मन वचन और काया के योग से युक्त है। व्यवहार भाषा में शरीर से युक्त प्राणी को भी जीव कहते हैं। अतः व्यवहार की अपेक्षा सजीव शरीर भौतिक भी है। अपेक्षा विशेष से जीव को आत्मा को भौतिक भी कहा है। आया बनते काया अन्य काया आत्मा शरीर से भिन्न है या शरीर स्वरूप है? इसका जवाब देते हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, गोयमा आया भी काये अन्य भी काये। हे गौतम, वह कथनचित किसी अपेक्षा से शरीर स्वरूप है और शरीर से भिन्न भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा अभौतिक है, चेतनामय है, शरीर से भिन्न है, फिर भी व्यवहार में स शरीर परिलक्षित होता है। आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, उसका कोई आकार नहीं है। आकार उसी पदार्थ का होता है जिसका रूप रंग हो। आत्मा रूप रंग से रहित है, इसलिए आकार से भी रहित है। निश्चय दृष्टि से वह निराकार है, परंतु संसार में स्थित आत्मा शरीर से युक्त होने के कारण व्यवहार की अपेक्षा वह साकार भी है। जिस प्रकार का शरीर मिलता है उसका वही आकार बन जाता है। कहने का अभिप्राय एकांत दृष्टि संघर्षों की उद्भावक है, उससे संघर्ष एवं हिंसा को बढ़ावा मिलता है। दार्शनिक क्षेत्र में पारस्परिक तनाव, आक्षेप, प्रत्याक्षेप, विरोध, वैमनस्य आदि विषमता का कारण व्यक्ति की एकांत दृष्टि एवं अपने विचारों का आग्रह दुराग्रह ही है। हिंसा से बचने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि हम पहले अपनी दृष्टि को बदले, अपने विचारों को बदले, अपने चिंतन मनन की धारा को बदले। यह कहावत नितांत सत्य है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। व्यक्ति का व्यवहार दृष्टि के अनुरूप ही बनता बिगड़ता है। यदि दृष्टि में अनेकांत है तो व्यवहार भी अनेकांत से अछूता नहीं रहेगा, और जब विचारों में एवं व्यवहार में अनेकांत रहेगा तब हिंसा एवं संघर्षों को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अहिंसा के साथ अनेकांत का घनिष्ठ संबंध है। अनेकांत के अभाव में अहिंसा का सम्यक पालन होना संभव नहीं है। पूर्ण अहिंसक बनने के लिए जरूरी है जो कुछ सोचे, जो कुछ विचारे, जो कुछ कहे और जो कुछ करे, वह सब सापेक्ष दृष्टि से सोच विचार कर करे। तभी हम संपूर्ण संघर्षों एवं संघर्षों के कारणों से मुक्त होकर अनंत शांति को पा सकेंगे। जय अनंत।